हेलो, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। हमारे हिंदी के लेक्चर में हम लोग अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखो, लास्ट में हम लोगों ने चैप्टर 11 खत्म किया और अभी चैप्टर 12 शुरू करने जा रहे हैं। तो चैप्टर 11 में क्या था? चैप्टर 11 का हेडिंग था कौवे की पकौड़ी। और वही चैप्टर में हम लोगों ने औ की मात्रा सीख लिया। कौन सी मात्रा सीखी? औ की मात्रा। और औ की मात्रा के ढेर सारे वर्ड भी राइटिंग किया और रीडिंग भी किया और उनकी मैंने सभी एक्सरसाइज भी करवा ली है। अभी चैप्टर 11 में ही थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हमें ये गिनती देखने को मिली। आगे के पेज में क्या है ये गिनती? हिंदी ये सभी जो इंग्लिश नंबर है उनको हिंदी में अंक में कैसे लिखते हैं और वर्ड में कैसे लिखते हैं वो हमें आज सीखना है। देखो यहाँ इंग्लिश नंबर दिया है 1, 2, 3, 4। वो हमें सबको आता है क्योंकि इंग्लिश नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। लेकिन उनको हिंदी अंक में कैसे लिखते? तो देखो ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उनको शब्द में कैसे लिखते? यहाँ लिखा ही है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अभी ये सभी अंक और सभी वर्ड हम लोग राइटिंग भी करना सीखेंगे। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि हिंदी नंबर कैसे, हिंदी अंक कैसे लिखते हैं वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। आगे ये देखो, ये इंग्लिश नंबर हमें पता ही है 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20। देखो यहाँ हिंदी अंक दिया है तो सॉरी ये 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20। ये है हमारी गिनती। अभी हम लोग ये हिंदी अंक कैसे लिखेंगे वो आप लोगों को दिखाती हूँ। देखो ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। तो भी उनको शब्द में कैसे लिखेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। हमें बताइए कि इनका इंग्लिश नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। ऐसे ही यहाँ हम लोग 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20। इनको हम लोग वर्ड में कैसे लिखेंगे? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20।
इनको इंग्लिश नंबर कैसे लिखते हैं तो हमें पता ही है। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20। तो ये है हमारी गिनती। आप लोगों को अपनी नोटबुक में ऐसे ही इंग्लिश नंबर, हिंदी नंबर एंड हिंदी वर्ड में लिख डालना है। आगे देखो यहाँ एक एक्टिविटी दी है। हमें एक में बड़ा एंजल मिलता है और हम लोग एंजॉय भी कर सकते हैं इसमें। देखो आप लोगों को नाव बनाना सीखना है। नाव बनाना कितने भी बच्चे को नाव बनाना आता होगा। देखो एक A4 साइज का स्क्वायर, स्क्वायर में एक कागज लेंगे, फिर कागज को आधा फोल्ड करते हैं। आधा फोल्ड करने के बाद हम लोग देखो यहाँ सभी 1x1 स्टेप दिया ही है। इस तरह आप लोग जो नाव बनाएंगे तो अच्छे से हमारी नाव बन जाएगी। वो एक्टिविटी आप लोगों को घर पे करना है जो हम लोग क्लास में होगा, हो सकते है तुम तो लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन इस बात का आप लोगों को क्लास में ही बनानी पड़ेगी। आगे देखो तीन हमारा आगे का चैप्टर है, चैप्टर 12, तीन रंग का झंडा। कौन सा एड है? तीन रंग का झंडा। ये चैप्टर में हमने अम की मात्रा और अ की मात्रा सीखना है। देखो अम की मात्रा का हेडिंग कैसा, सॉरी चिन्ह कैसा होता है ऐसा, अ की मात्रा का चिन्ह कैसा होता है ऐसा। पहले हम लोग ये रीड करेंगे। ये चैप्टर में ये जो कॉलम दी है वो पहले रीड करेंगे और एक बार हम लोग गान भी करेंगे। आप लोगों को बहुत मजा आएगा। तीन रंग का सुंदर झंडा, तीन रंग का सुंदर झंडा, तिरंगा कहलाए, तिरंगा कहलाए शान से कितना ऊपर यह, शान से कितना ऊपर यह फर 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 फहराए, फर 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 फहराए इस झंडे की करे वंदना, इस झंडे की करे वंदना, देश का मान बढ़ाए, देश का मान बढ़ाए। देखो हम लोगों ने उनका रीडिंग कर लिया, अभी हम लोग एक बार गान करते हैं। तीन रंग का सुंदर झंडा, आप लोगों को भी मैं गान करूं बाद में, आप लोगों को भी गाना है। तीन रंग का सुंदर झंडा, तिरंगा कहलाए, तिरंगा कहलाए शान से कितना ऊपर, शान से कितना ऊपर यह फर 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 फहराए, फर 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 फहराए इस झंडे की करे वंदना, इस झंडे की करे वंदना, देश का मान बढ़ाए, देश का मान बढ़ाए शान से कितना ऊपर यह, शान से कितना ऊपर फर 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 आए।
ऐसे हम लोग अच्छे से उनका गान भी कर सकते हैं। अभी हम लोग शब्दार्थ देख लेते हैं। देखो यहाँ तीन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, थ्री, तिरंगा को तिरंगा, वंदना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रेयर करना, प्रार्थना करना, रंग तो कलर, सीओ एल ओ यू आर शान, पी आर ओ यू डी प्राउड, देश सीओ यू एन सी ओ यू एन टी आर वाई, कंट्री सुंदर, बी ए यू टी आई एफ यू एल ब्यूटीफुल, ऊपर ए बी ओ बी ई अबोव, मान एस्टीम ई एस टी डबल ई एम एस्टीम। ये है हमारे चैप्टर 12 का शब्दार्थ। आप लोगों को शब्दार्थ जब एग्जाम में भी आते हैं तो हमें क्या करना होता है, इंग्लिश में उनका मीनिंग लिखना होता है। तो हमें ये जो शब्दार्थ ये शब्द दिया होता है उनका मीनिंग हमें इंग्लिश में ही लिखना होता है। नेक्स्ट टाइम जो आप लोग एग्जाम में ये शब्दार्थ आए तो ध्यान रखना, पिछली बार तो एग्जाम में आप लोग कितने भी स्टूडेंट्स ने गलती की है, क्योंकि शब्दार्थ मतलब तीन को क्या, तीन का मीनिंग हिंदी में ही हम एक्सप्लेन कर दी, हिंदी में ही राइटिंग कर दिया है कि तिरंगा तो झंडा, वंदना तो प्रार्थना करना, तो लेकिन हिंदी में नहीं, इंग्लिश में उसका मीनिंग लिखना होता है। तो आगे की जो एक्सरसाइज है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करवाएंगे। तो मैं यहाँ ये लेक्चर रखती हूँ। थैंक यू।